रोहतास जिला प्रशासन ने कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद हुए लॉकडाउन के तहत जिले में प्रवेश करने वाले सभी रास्तों को सील कर दिया है। पुलिस प्रशासन कैंप लगाकर बाहर से आने वाले लोगों को रोक रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर वाराणसी की तरफ से आने वाले लोगों को चेनारी के खुरमाबाद में रोका जा रहा है। यहाँ पर कैंप लगाया गया है, जहाँ से मेडिकल जाँच के बाद लोगों को उनके गंतव्य स्थानों तक भेजा जा रहा है। ये व्यवस्था पूरी तरह से निःशुल्क की गई है। खुरमाबाद में सभी आने वाले लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। हल्के लक्षण मिलने के बाद उसे वहीं रोका जा रहा है, जबकि जिन लोगों में ऐसे कोई लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, प्रशासन उनको घर जाने की इजाजत दे रहा है। इसके लिए कई बसें और ट्रकों को लगाया गया है। कुल 1700 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है। बता दें कि बहुत से लोग पैदल चलकर बिहार पहुंच रहे हैं, जिसे खुरमाबाद में बनाए गए शिविर में नाश्ता पानी भी कराया जा रहा है। आप खुद देख सकते हैं कि किस प्रकार ट्रकों और बसों में भर भर कर लोगों को भेजा जा रहा है। लखनऊ से इलाहाबाद आए पैदल, फिर वहाँ से नैनी तक आए पैदल, नैनी से ट्रक से आए यहाँ तक। अच्छा, यहाँ प्रशासन में अभी फोटो वोटो लिया, ये जांच वाँच किया, अब कह रहा है नहीं भेज देंगे आपको अररिया। हमको जाना है अररिया। हाँ, 47 आदमी हैं हम। हाँ, हम लोग वहाँ बिजली का काम करते थे, कंपनी भाग गया हम लोगों का छोड़ के, कोई पेमेंट सबमिट नहीं किया। बहुत परेशानी हुई हम लोगों को, 7-8 दिन से काफ़ी परेशानी। यहाँ पे जितने भी अन्य राज्यों से जो लोग आए हुए हैं, जो दिल्ली से प्रवासी मजदूर या अन्य तरह के लोग, कैटेगरी के लोग हैं जो लॉकडाउन के चलते नहीं आ पा रहे, तो किसी तरीके से गाड़ियों में भर के, ट्रकों में, बसों में यहाँ पे आ रहे हैं, तो उनको अपनी जिला में हम उनको रिसीव कर रहे हैं और उनका स्क्रीनिंग करके उनका मेडिकल चेकअप करवाते हुए कंसर्न अगर जो स्टेट से बाहर के हैं तो उनको स्टेट से बाहर छोड़ दे रहे हैं। बाकी जो बिहार राज्य के हैं उनको सभी जगह पहुंचाया जा रहा है, उनके अपने अपने जिलों में और अपने अपने प्रखंडों में। वहीं भाजपा के विधान पार्षद संतोष कुमार सिंह ने रोहतास और कैमूर जिला में 25 लाख रुपए के सैनिटाइजर, मास्क, हैंड वॉश, ग्लव्स आदि का वितरण किया है। इस काम में MLC खुद लगे हुए हैं। सासाराम स्थित अपने आवास पर वो खुद सैनिटाइज, मास्क आदि की पैकेजिंग करते दिखे। इसमें उनका पूरा परिवार उनका सहयोग कर रहा है। भाजपा विधान पार्षद ने बताया कि वह कोरोना वायरस से निपटने के लिए जरूरी सामग्री की किट बनाकर रोहतास और कैमूर जिला के जनप्रतिनिधियों के बीच वितरण करवा रहे हैं। आपको मालूम है पूरे भारत में लॉकडाउन है और एक जगह से दूसरे जगह किसी को जाना नहीं है। इस विकट परिस्थिति में हम पूरे रोहतास और कैमूर के सभी त्रिस्तरीय पंचायत के सम्मानित प्रतिनिधि को एक सैनिटाइजर, साबुन, मास्क और एक और जो सुविधा है जो रोकथाम के लिए जो बहुत जरूरी है, जैसा कि डॉक्टर ने बताया, मैं सबको प्रोवाइड कर रहा हूँ। रोहतास कैमूर के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधियों को मैं तैयारी करके सबको भिजवा रहा हूँ। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।